शिव शंकर को जिसने पूजा, सुबह सुबह ले शिव का नाम। हे शंभु बाबा, हे भोलेनाथ, भोले भंडारी सबके भंडार भरे। भगवान शिव का एक ऐसा भक्त जिसने जब भी भगवान शिव के भक्ति में गाना गाया, सब झूम उठे। हर जगह महादेव की आरती, महादेव की पूजा में ये गाना प्ले हुआ करता था। यहाँ तक कि सुबह सुबह घरों में डेक पर, कैसेट पर ये गाना अक्सर चला करते हैं। आज भी ये गाने उतने ही पॉपुलर हैं। शिव के इस भक्त ने जब भी कोई कैसेट निकाला, लोगों का उससे भरपूर प्यार मिला। यहाँ तक कि YouTube पर गुलशन कुमार द्वारा परफॉर्म किए गए हनुमान चालीसा को टी सीरीज के बैनर तले अपलोड किया गया। उस वीडियो पर 4 बिलियन व्यूज, 17 मिलियन लाइक्स और 30 लाख से अधिक कमेंट है, जो अपने आप में इतिहास है। ऐसा प्यार आज तक किसी भी भक्ति गाने को नहीं मिला। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि महादेव के सबसे बड़े भक्त को 16 गोलियां दागकर मार डाला गया? गुलशन कुमार का जन्म 5 मई 1951 को दिल्ली के एक पंजाबी अरोड़ा परिवार में हुआ था। उनके पिता चंद्रवान दुआ दिल्ली के दरियागंज में जूस बेचा करते हैं। बचपन में गुलशन कुमार अपने पिता की दुकान पर मदद के लिए जाते और जूस बेचते हैं। इस अनुभव ने उन्हें बिजनेस में रुचि विकसित करने में मदद की। 23 साल की उम्र में उन्होंने अपने पिता की सहायता से एक दुकान ली और रिकॉर्ड्स के साथ ऑडियो कैसेट बेचना शुरू किया। यहीं से उन्होंने म्यूजिक इंडस्ट्री की सबसे बड़ी कंपनी टी सीरीज की नींव रखी। गुलशन कुमार ने ऑडियो कैसेट के बिजनेस का नाम सुपर कैसेट इंडस्ट्रीज लिमिटेड रखा। वो ओरिजिनल गानों की दूसरी आवाज में रिकॉर्ड करके कैसेट बनाते थे और उन्हें कम कीमत पर बेचते थे। इसी कारण उनकी पॉपुलरिटी तेजी से बढ़ने लगी। जहां अन्य कंपनियों के कैसेट के दाम 28 रुपए हुआ करते, वहीं उन्होंने अपने कैसेट की कीमत 15 से 18 रुपए के बीच में रखी थी। इससे उनकी किस्मत बदल गई और उन्होंने नोएडा में टी सीरीज की स्थापना की, जिससे वे म्यूजिक इंडस्ट्री में एक बड़ा नाम बन गए। गुलशन कुमार ने भक्ति गाने भी रिकॉर्ड की जो लोगों को बहुत पसंद आए। 70 के दशक में वो म्यूजिक इंडस्ट्री के सफल बिजनेसमैन बन गए। ऑडियो कैसेट बिजनेस में सफलता मिलने के बाद उन्होंने मुंबई जाकर फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा। कैसेट के साथ साथ उन्होंने म्यूजिक एल्बम, बॉलीवुड फिल्में और पौराणिक सीरियल्स भी प्रोड्यूस करने लगे। मुंबई में उनकी किस्मत चमकी और 1988 में उन्हें 10 रोमांटिक गानों का एल्बम का रिकॉर्ड करने का जिम्मा मिला, जिसके सभी गाने हिट रहे। उसी वर्ष उन्होंने लाल दुपट्टा मलमल का नाम के फिल्म को प्रोड्यूस किया, जिसने अच्छी कमाई की। इसके बाद 1990 में आई फिल्म आशिकी ने उन्हें असली पहचान दिलाई। इस फिल्म के गाने आज भी लोकप्रिय हैं। गुलशन कुमार ने सामाजिक कार्यों में भी ध्यान दिया। वे वैष्णो देवी के भक्त थे और भक्तों के लिए भंडारे का आयोजन करते हैं। उनकी सफलता पर अंडरवर्ल्ड की नजर पड़ी। अंडरवर्ल्ड, दाऊद इब्राहिम और अबू सलेम ने उनसे पैसे की मांग की। 12 अगस्त 1997 को जितेश्वर महादेव मंदिर के बाहर उनकी हत्या कर दी गई। उन्हें 16 गोलियां मारी गई, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। 2021 में अदालत ने अब्दुल राउफ और उसके भाई को उम्र कैद की सजा सुनाई, लेकिन नदीम सैफी और अबू सलीम पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो सकी। इस केस में इंसाफ कितना हुआ ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन इतना जरूर है कि महादेव के सबसे बड़े भक्त गुलशन कुमार की लेगेसी आज भी जिंदा है। टी सीरीज आज भी संगीत की दुनिया का सबसे बड़ा नाम है। क्या आपको याद है गुलशन कुमार का कोई ऐसा गाना जो आप अक्सर गुनगुनाते हो? बताइएगा जरूर।